तो हम दोनों सिस्टर रेडी हो चुके हैं नहा धोवा के, और मेरी दीदी जा रही है बंगाली जो सिंदूर खेला होता है तो वो सिंदूर खेलने जा रही हैं मेरी मामी के साथ, इसलिए ये रेडी हो चुकी हैं। मैं नहीं जाऊंगी, और अगर जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि सिंदूर कैसे खेलते हैं, सिंदूर के साथ कैसे खेलते हैं, है ना? चूड़ियाँ दिखाओ। वाह, क्या लग रही है मेरी बहना, मस्त लग रहा है ना चूड़ियाँ। गोरी है कलैया पहना दो मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बाल माँ। तो ये सुबह का नज़ारा है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे घर के पड़ोसी लोग हैं, तुलसी मैया हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। और फ्रेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल फुलाया है फ्रेंड, कितना मस्त लग रहा है फूल। और ये हमारा हैंडपम्प है यानी नल फ्रेंड, वो है हमारा गेट, मेन गेट। और ये हमारा घर है छोटा सा, आप लोग देख सकते हैं। और आपको एक बात बताऊं, ये आम का पेड़ भी हमारा है, और वो जो नारियल का पेड़ दिख रहा है ना फ्रेंड, वो नारियल का पेड़ भी हमारा है। तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं यहाँ से, और ये हमारा मेन डोर है यहाँ से अंदर जाने का। तो फ्रेंड ये हमारा घर, और ये लोकेशन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और यहाँ का नज़ारा जो है ना कोलकाता का एकदम बेस्ट है, ग्रीन 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 ग्रीन। और लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि कुछ चीज़ें मिले और मैं आप लोगों से शेयर करूं, दिखाऊं, मुझे अच्छा लगता है। जिसको भी जलेबी और रसगुल्ले खाने हैं वो आ जाइए। ये है रसगुल्ला जो मैंने निकाल लिया है, और ये है जलेबी। जलेबी और रसगुल्ले खाने हैं तो आ जाइए। फ्रेंड मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड ही भूल गई, और जो पुराना पुराना था वो सब मैंने ट्राई कर लिया पर पासवर्ड नहीं हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है मोबाइल, क्या करूँ अभी मैं। और कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि जो नया मैंने लगाया है वो कौन सा है, क्या था, कुछ भी याद नहीं है। और इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि 72 घंटे जब पूरे हो जाते हैं ना तो आपका फिंगर काम नहीं करता है, आपको पासवर्ड डालना ही पड़ेगा। और अभी 72 घंटे पूरे हो चुके हैं, अब मेरा फिंगर काम नहीं कर रहा है, अब मुझे पासवर्ड भी याद नहीं है मुझे, मैं क्या करूँ, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं अपने पड़ोसी के घर, वो जो घर दिख रहा है ना उसी घर में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग निकल चुके हैं बाराती बारात लेके बारात। ये मेरी बुजी है दोस्तों, अभी मैं नानी के घर जा रहा हूँ। मामी नानी नहीं, ओ इधर मामी लगी तो आ, इसकी नानी हमारी मामी दादी लगेंगी, नानी नहीं रे। हमरा के देखा हम कैसे लगते हैं, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो सच्ची। बलखा रही है मेरी बहन। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है। ओ ग्रीष्मा इधर आओ, वो देखे कहाँ चली गई, आ जाओ आ जाओ इधर आओ, रास्ता भूल गई है, यहाँ पे जाना है हमको, ये घर में जाना है, आ जाओ आ जाओ। हमारा घर वो है, रास्ता मत भूलो ग्रीष्मा। ये है हमारी मामी, खाना बना रही हैं। मामी हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। हाय हाय फ्रेंड, देखिए मेरी मामी खाना बना रही हैं, हाय बोल रही हैं आप लोगों को। अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं, बहुत सुंदर। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज क्या बना रही हैं। किरणा कच्चो मामी दिखा, आओ रुकिए दिखाती हूँ। आलू है, टमाटर है, और परवल है, पता नहीं क्या बना रही है सब मिक्स करके। सिंदूर खेला करने के लिए ये लोग बेचैन हो रहे हैं, पर ये लोग अभी बहुत लेट कर रहे हैं, पता नहीं कब जाएंगे। और ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। धक्का मत मारो जी, देखो
फ्रेंड आप लोगों को एक और चीज दिखा रही हूँ जो यहाँ पे फड़ा हुआ है। तोड़ने का मन कर रहा है पर मैं तोड़ूंगी नहीं क्योंकि अभी थोड़ा कच्चा है, छोटा छोटा है। दिखाती हूँ, ये है केला। वाव कितना सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड। देखिए कच्चा है, छोटा छोटा है, इसीलिए मैंने बोला कि नहीं तोड़ना है अभी। कितना घना है यहाँ पे पेड़ पौधे, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या कर रहा है रे पागला? मम्मी के पास जा रहे हो? जाओ फ्रेंड, देख सकते हैं वो हमारा घर है ब्लू कलर का, नारियल का पेड़, अमरूद का पेड़ और आम का भी पेड़ है, देख सकते हैं आप लोग। मामी ने भी तुलसी जी का पेड़ लगाया है फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड। मैं हर बार आप लोगों को कोहरा का पत्ता का बचका बनाते हुए देखा है ना, पकौड़ी बनाते हुए दिखाया है ना, आज मैं आप लोगों को फल दिखाऊंगी जो कद्दू बोला जाता है, ठीक है दिखाती हूँ। तो आप लोग ये देखिए फ्रेंड कि यहाँ पे फूल बहुत सारे फुलाए हुए हैं और इसी फूल का हम लोग पकौड़ी बना के खाते हैं और इसके अंदर ही छुपा हुआ है एक राज जो कि है ये। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कितना छोटा सा फड़ा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं फ्रेंड। और है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये काफ़ी बड़ा साइज में है फ्रेंड और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने देखा, अच्छा लगा ना, मज़ा आ रहा है यहाँ पे ये सब देख के, घूम के बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या तारीफ करूँ यहाँ का नज़ारे का, जितना तारीफ करो उतना कम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हरियाली हरियाली देख के। काफ़ी देर मम्मी से बात करके बहुत अच्छा लगा, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। यहाँ पे देख सकते हैं ये कितना, इसके अंदर भी बहुत लंबे लंबे सांप है और वो भी जहरीले जहरीले। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मेरी दीदी और मामी सिंदूर खेलने जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये लोग जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ जा रही हूँ, जाना ही पड़ेगा ना फ्रेंड, नहीं जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाएगा कौन कि सिंदूर खेलते कैसे हैं बंगाल में। चलिए दिखाती हूँ फ्रेंड। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए माता रानी का, और यहाँ पे सारी औरतें इकट्ठा हुई हैं सिंदूर खेलने के लिए। कुछ लोगों ने सिंदूर खेल लिया है, जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे। हम लोग लेट पहुँचे हैं थोड़ा, पर कोई नहीं, अभी हम लोग खेलेंगे तो दिखाती हूँ आप लोगों को, है ना। यहाँ पे अभी सिंदूर खेला करेंगे, खेलेंगे मीन्स के सिंदूर एक दूसरे को लगाएंगे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है फ्रेंड। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गणेश भगवान हैं और बगल में जो हैं वो लक्ष्मी माँ हैं, दर्शन कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे खेला जाता है और कितनी सुंदर लग रही हैं मेरे गणेश भाई। यहाँ पे ये लोग माता जी को चढ़ा रहे हैं, मिट्टी खिला रहे हैं। सिंदूर लगा रही हैं। अभी मेरी दीदी मिट्टी खिलाएंगी यानी कि मिठाई। सिंदूर लगा रही हैं दीदी। Thank you.
ये महिषासुर है, महिषासुर। पति जी के पास ये मूषक जी हैं, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी फ्रेंड, गलती से ही, माफ़ कीजिएगा गणेश भगवान। लक्ष्मी माँ के पास भी ये क्या है, उल्लू बोला जाता है ना, हाँ तो ये उल्लू हैं लक्ष्मी माँ के पास। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं, जैसे हम लोग होली खेलते हैं वैसे ये लोग सिंदूर, ऐसे ही होता है ना जैसे हम लोग होली खेलते हैं वैसे ही यहाँ पे सिंदूर लगाते हैं एक दूसरे को। ये शाखा पुला है और इसके अंदर भी ये लोग सिंदूर लगाते हैं ये पहला त्यौहार है शादी के बाद मेरी दीदी का, दीदी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही है, पूरे संस्कारी पत्नी धर्म निभा रही है सुशील संस्कारी, वाह। हमारे छठ पूजा में जो होता है ना फ्रेंड, वैसे ही सिंदूर लगा रही है मामी, वाह क्यूट लग रही हो दोनों गालों पे, वाओ। हर सुहागन आ गई मेरी दीदी को लगाने के लिए यहाँ पे, क्या बात है, घेर लिया मेरी दीदी को लगाने के लिए। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड ये सब देखकर, वाओ। नहीं वहाँ पे नहीं लगाते, इन्होंने मुझे भी लगा दिया फ्रेंड इसको अबीर समझ के हम लोग लगा सकते हैं, सिंदूर है पर इसमें नहीं लगना चाहिए, सुहागन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, पहले एक ने लगाया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, चौथे ने, पांचवे ने, सबने लगा दिया सिंदूर, खेल लिए, अब हम लोग जा रहे हैं घर, भूत बन के आ रही हैं वो लोग मैं भी तो बनी चुकी हूँ फ्रेंड आप लोग ये नज़ारा देख सकते हैं कितना सुंदर है, हमारा घर आ गया, घर पे पहुँचने वाले हैं 1 मिनट में, बस यहाँ पे यही चलता है, भालुआ चित्तो, भालू आचो का मतलब ठीक हो तो, मतलब ठीक हो ना, यही चलता रहता है। लो वो वहाँ पे रह गए, कोई नहीं फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, थक गई हूँ मैं पर अच्छा लगा। आ जाओ, हम आ गए अपने घर, हम सब यहाँ पे भूत बन के बैठे हैं, है ना छोटी, छोटी लगा दो लो, छोटी मुझे लगाई जा रही है, मुझे भी थोड़ा लगा दो, नहीं डर के नहीं लगाते, देखो मैं गाई हूं, सुनो ये लोग चौंक गए, बोल रहे हैं कहाँ जाके आ गए, ये सिंदूर बेंदूर क्यों लगाए हो, मैं बोली आप लोग भी लगा दो, कह लो मैं गोबर लग रही हूँ, आज भी गोबर लग रहा, तू भी गोबर लग रहा, मैंने मुंह धो लिया है फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरी दीदी धो रही है, तो मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय बाय।